हेलो दोस्तों मैं हूं घनश्याम एंड स्वागत है आप सभी का द इलेक्ट्रिक न्यूरन में तो पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे इम्पेडेंस ऑफ द थ्री फेज और सिंगल लाइन डायग्राम तो उसी का आज देखेंगे पर यूनिट सिस्टम रिप्रेजेंटेशन तो पर यूनिट सिस्टम क्यों हम पढ़ेंगे क्या इसका इम्पोर्टेंस है इन पावर सिस्टम में और पावर सिस्टम में इसका इम्पोर्टेंस क्या है तो देखिए जो हमारा पावर सिस्टम है वो थ्री फेज में हो और इंटरकनेक्टेड सिस्टम में है तो वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम को हम कॉम्प्लिकेटेड वे में ना लेकर हम इजी वे में सल्व करने के लिए हम पर यूनिट सिस्टम चूज किए तो पर यूनिट सिस्टम रिक्वायर लेस टाइम और हमारा जो पूरा जो सिस्टम है थ्री फेज में जो सिस्टम है वो सिस्टम वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे में है तो वो कॉम्प्लीमेकेटेड वे होने के कारण उसका टाइम ऑफ कैलकुलेशन बढ़ जाता है तो पर यूनिट सिस्टम किस लिए टाइम ऑफ कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए तो चलिए देखते हैं उसका सारी डिटेल फॉर्मूला इम्पेडेंस यूनिट, वोल्टेज पर यूनिट करंट पर यूनिट वही सब देखेंगे तो देखिए मैं ये कहना चाहूँगी ये स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए पहले देन विल गो फॉर नेक्स्ट सो आई थिंक यू हैव डन तो देखिए यहाँ पर यूनिट वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसका एक फॉर फॉर्मूला है दैट इज एक्चुअल वैल्यू इन सम यूनिट डिवाइडेड बाय बेस और रेफरेंस वैल्यू इन सम यूनिट तो हमको एक बेस यूनिट चूज करना पड़ेगा तो सिस्टम जो है उसी सिस्टम में वोल्टेज बेस और पावर बेस और करेंट बेस जो भी है उसी का एक बेस को चूज करना होगा कौन सी कौन सी क्वांटिटी को हम चूज करें हमारे इजी और सुइटेबल मेथड के अनुसार हम एक बेस को चूज करेंगे उसके बाद उसी बेस को डिवाइड करेंगे एक्चुअल यूनिट से तो वही हो जाएगा हमारा पर यूनिट वैल्यू तो उसी का फॉर्मूला ये है और अगर आप चाहते हो कि परसेंटेज में फाइंड करना चाह चाहें तो परसेंटेज वैल्यू ऑफ पर यूनिट दैट इज़ पर यूनिट वैल्यू का हंड्रेड परसेंट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा देन यू विल गेट द पर यूनिट परसेंटेज वैल्यू ठीक है तो द पर यूनिट मेथड इज पर्टिकुलरली कन्वीनियंस इन पावर सिस्टम इज वेरियस सेक्शन ऑफ द पावर सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रो ट्रांसफार्मर्स एंड हैव द डिफरेंट वोल्टेज लेवल तो उसका वोल्टेज लेवल डिफरेंट होता है देखो प्राइमरी साइड में कुछ वोल्टेज होता है सेकेंडरी साइड में कुछ वोल्टेज होता है किसमें ट्रांसफार्मर में, में. Uh, और उसी का फर्स्ट uh, हम कंसिडर करते हैं सिंगल फेज सिस्टम जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका सिंगल फेज ट्रांसमिशन सिस्टम को कंसिडर करते हैं तो उसका बेस वोल्ट एम्पियोर दैट इज पावर ठीक तो पावर का बेस वोल्ट एम्प्योर दैट इज़ भी ए बेस वी इज आवर वोल्टेज ए इज आवर करंट तो पावर इज इक्वल टू वी आई होता है ना पावर इक्वल टू वी आई उसी को पावर इज इक्वल टू वी बेस और करंट बेस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा वोल्ट एम्पियर बेस उसी की तरह इस इज दिस इज योर वोल्टेज बेस एंड अगर आप चाहते हो कि करंट बेस फाइंड करना तो करंट बेस को कैसे आप वोल्ट एम्पियर पावर बेस पी जी टू वी आई तो जानते ही होंगे तो उससे करंट बेस को निकल दीजिए तो क्या हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज विल ट्रांसफर टू द डिनोमिनेटर ऑफ द एल एच एस नॉट तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा पी डिवाइडेड बाई वी तो पावर का बेस क्या है वी ए बेस तो ऊपर में भी ए बेस आ गया और नीचे में वोल्टेज का बेस क्या है वी वी बेस तो वी वी बेस आ गया तो हो गया ये हमारा करंट बेस ठीक समझ में आ रहा है ना अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में राइट करो मैं उसी को और एक न्यू तरीका में समझा सकूँ आपको तो देखिए यहाँ इम्पेडेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने ओम्स लॉ से जानते हैं कि V इज इक्ल टू आई आर होता है तो उसी से हम R को निकल लेते हैं तो क्या होगा V डिवाइडेड बाई ये नहीं V डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा ये सर नॉट वी डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा तो उसी का वोल्टेज बेस डिवाइडेड बाई करंट बेस क्या हो जाएगा एम्बेडेंस बेस ये सर नॉट, और अगर आप चाहते हो कि करंट बेस ये फार्मूला को ये डिनोमिनेटर में पुट कर दीजिए तो चलिए पुट कर देते हैं वी वी डिवाइडेड बाई वोल्टेज एम्पियर बेस डिवाइडेड बाई बीबी तो बीबी विल बी ट्रांसफर टू न्यूमिनेट ओरिएशन नॉट तो बीबी स्क्वायर हो जाएगा अभी बीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी ए बेस तो बीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वोल्ट एम्पियर बेस वही आ गया वही हमारा बेस एम्पटेंस है एम्पिटेंस का बेस वैल्यू है तो उसी तरह हम जान जानेंगे अभी आ, क्या पर परूनिट्स सिस्टम और पर यूनिट वैल्यू ऑफ़ इम्पिटेंस पर यूनिट वैल्यू ऑफ क्या करंट पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑल अदर थिंग ओके तो एक्चुअल इम्पिटेंस क्या है हमारा जेड ओम है और उसका पर यूनिट क्या होगा जेड ओम एक्चुअल डिवाइडेड देखो फॉर्मूला क्या कहता है एक्चुअल डिवाइडेड बाई, बाई, बाई बेस रिफरेंस तो बेस किसको हमने चूज किया उसी को डिवाइड कर देंगे तो बेस एक्चुअल डिवाइडेड बाई ये है बेस तो एक्चुअल क्या है जेड ओम है और बेस क्या है बेस देखो यही फार्मूला वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी ए बेस तो वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी ए बेस नीचे में पुट कर दीजिए यही इक्वेशन का तो वी ए बेस क्या हो जाएगा ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि वन डिवाइडेड बाई वन डिडेड बाई सम ट्रांसफॉर्म टू न्यूमिनेटर साइड न्यूमिनेटर साइड में भी ए बेस ट्रांसफॉर्म हो गया ठीक तो उसी का अभी देखेंगे देखो उसी का वोल्ट एम्प्योर वोल्ट एम्प्योर को भी हम क्या लिख सकते हैं मेगा वोल्ट एम्पियोर भी लिख सकते हैं मेगा वोल्ट एम्प्योर किस लिए मेगा वोल्ट एम्पियोर जेनरेटर के लिए हम चूज करते हैं और किलो वोल्ट एम्प्योर किस लिए किलो वोल्ट एम्प्योर हम चीज करते हैं ट्रांसफार्मर के लिए और किलो वोल्ट समथिंग ट्रांसफर ट्रांसमिशन लाइन और स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी लाइक अदर इक्विपमेंट इसी को हम किलो वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक तो देखिए बेस करेंट है बेस करेंट है क्या बेस करेंट तो पहले से ही हम निकल चुके हैं यहाँ देखो बेस करंट क्या है वी ए डिवाइडेड बाई वी वी तो वी ए डिवाइडेड बाई वी वी उसी को हम किलो वोल्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को हम वोल्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यहाँ वोल्ट के जगह क्या ले लिया गया थाउजेंड टू कन्वर्ट द किलो वोल्ट उसी तरह बेस इंपिडेंस को भी हम लिख सकते हैं किलो वोल्ट कि, किलो में ठीक तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा देखो हम पहले से भी कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी ए तो उसी को ही हम इधर लिख रहे हैं बी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी ए तो उसी को मेगा वोल्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए और किलो वोल्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए वही फार्मूला ठीक तो उसी का अगर पर यूनिट निकालना चाहते हो तो वो पर यूनिट एक्चुअल डिवाइडेड बाई जेड एक्चुअल डिवाइडेड बाई जेड बेस पुट कर दीजिए जेड बेस का फार्मूला इधर जेड बेस का फार्मूला मतलब कौन सा फार्मूला वही फार्मूला ये जो फार्मूला है वो यही जेड बेस में अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा के वी डिनोमिनेटर में रहेगा एम बी ए में आ जाएगा हाँ या ना और अगर आप चाहते हो कि ये फार्मूला ना पुट करके ये फार्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा के भी वे स्क्वेयर इंटू थाउजेंट और नीचे वाला के वी ए न्यूमिनेटर से ट्रांसफ़र हो जाएगा के वी एस तो आ गया हमारा टू फार्मूला ऑफ जेड पोर यूनिट कोई दिक्कत नहीं तो आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ इंडर थ्री फेज सिस्टम रेटर दैन अपटेनिंग द फोर यूनिट वैल्यू यूजिंग पोर फेज बेस क्वांटिटी, द पर यूनिट वैल्यू कैन बी अपन डायरेक्टली बाय जी यूजिंग द थ्री बेस क्वांटिटी. देखो थ्री फेज बेस वोल्ट एंड तो हम मेगा वोल्ट मेगा में लेते हैं तो मेगा वोल्ट एंड प्योर किलो तो वोल्ट का किलो में ले रहे हैं तो किलो वोल्ट लाइन टू लाइन बेस. यह हमारा बेस क्वांटिटी ठीक तो अज्यूमिंग स्टार कनेक्शन हम स्टार कनेक्शन फर्स्ट अज्यूम कर रहे हैं कि स्टार कनेक्शन में क्या होता है देखो ये एक स्टार कनेक्शन है तो इसी के लाइन करंट क्या होता है फेज करंट से समान होता है और लाइन वोल्टेज क्या होता है रूट थ्री इंटू वी होता है ना तो वही रूट थ्री इंटू वी तो उसी फार्मूला को इसी में अप्लाई कर दीजिए तो लाइन टू लाइन हमारा क्या है के भी उसी में अरे ये मैं आई एल क्यों लिखा रुको हम्म देखो स्टार में लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है और बीएल। एल लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू बी फेज ठीक तो अभी वही लाइन को रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेम वही फॉर्मूला रख दीजिए न्यूमिनेटर का वो तो कभी भी ए, मतलब चेंज नहीं होगा ना वही पावर वही पावर रहेगा तो उसी तरह बेस इम्पेडेंस बेस इम्पेडेंस को आ, क्या आ, रुको मैं दिखाता हूँ बेस इम्पेडेंस देखो यहाँ बेस इम्पेडेंस का फार्मूला क्या है थाउजेंट इंटू के वी बेस डिवाइडेड बाई आई वी एस तो उसी को हम स्टार कनेक्शन में रिप्रेजेंट करें तो जेड बेस इज इक्वल टू थाउजेंट इंटू के वी बेस डिवाइडेड बाई रूट थ्री आई वी ठीक तो रूट थ्री किस लिए क्योंकि हम स्टार कनेक्शन में कर रहे हैं तो वो जो लाइन वोल्टेज रूट थ्री इंटू फेज वोल्टेज के समान होता है तो फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा अभी लाइन डिवाइडेड बाय रूट थ्री हो जाएगा तो भी लाइन ये लाइन वोल्टेज है डिवाइडेड बाय रूट थ्री हो गया तो रूट थ्री इंटू आई भी आ गया ठीक तो अभी देखो इसी को भी हम लिख सकते हैं के वी बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम भी ए बेस क्योंकि पावर इज ईक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर होता है या ना तो आर इज इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पी हो जाएगा तो के वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर देट इज एम बी ए बेस और आप किलो वोल्ट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला ठीक और यह है हमारा जेड बेस इम्पेडेंस का बेस तो पर यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसी का देखो ये है एक्चुअल वैल्यू और यह है आपका क्या यह है आपका बेस वैल्यू तो बेस वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले लीजिए तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा के वी रहे बेस को यार और न्यूमिनेटर में चला आएगा एम बी ए बेस एम बी ए बेस न्यूमिनेटर में चला आया और इसी फार्मूला को आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये फार्मूला आ जाएगा डिराइवड होके ठीक ये तो आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं चलिए नेक्स्ट स्लाइड में तो देखिए यहाँ जेड पवर्निंग यूनिटी जी और ये न्यू वैल्यू के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा अगर न्यू वैल्यू के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई विथ देखो यह फार्मूला ये रट लीजिए जेड पर यूनिट ओल्ड वैल्यू इनटू एम बी वेस न्यू डिवाइडेड बाय वे एम बी ओल्ड इनटू के बेस स्क्वायर ओल्ड डिवाइडेड बाय के बी बेस स्क्वायर न्यू ठीक ये फार्मूला रट लीजिए ये सभी में काम आएगा आपकी एस एस सी एग्ज़ाम जेई एग्जाम ए ई एग्जाम रेलवे एग्जाम और योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम अदर कम्पिटेटिव एग्जाम एंड योर यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काम आएगा तो यह हो गया तुम्हारा पर यूनिट कन्सेप्ट तो ये आपको क्लियर होगा शायद पर यूनिट क्या है पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला है एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस बेस को आपके अनुसार चूज किया जाता है और एक्चुअल तो वही रहता है जो सिस्टम में गिवेन है ठीक तो उसी का पर यूनिट किस लिए पर यूनिट इसलिए कि हमारा कैलकुलेशन टाइम इजी हो और वेरी लेस टाइम में सॉल्व हो सके तो हमने पर यूनिट वैल्यू को चूज़ किया तो अभी देखेंगे शॉर्ट सर्किट के भी क्या होता है तो देखो हमारा एक सिस्टम है जो जेनरेट करता है ई e वोल्टेज और इसी का लाइन इम्पिडेंस है और मान लीजिए कि ये कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया लाइन फॉल्ट हो गया किसी में शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसमें क्या फॉल फ्लो होगा शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा तो शॉर्ट सर्किट के भी है शॉर्ट सर्किट के भी है दैट इज शॉर्ट सर्किट पावर इज इक्वल टू रेटेड और बेस के भी है जो हमने चूज किया जो हमने लिया ठीक उसी इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज इम्पेडेंस जो इंप, इंटरनल इम्पेडेंस होता है कंडक्टर का और ये समिशन ऑफ ऑल थिंग जो जनरेटर जे का इम्पेंस वही है तो ये ई e है हमारा रेटेड वोल्टेज एंड आई है रेटेड करंट जो इधर से फ्लो हो रहा है और उसी का मैथमेटिकल डेरिवेशन ही है इसको भी रट लीजिए ई आई एस सी जी कोल टू ई आई इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज इम्पेडेंस ठीक आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू तो चलिए चलते हैं पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर का पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है यही देखेंगे तो देआरी जी थ्री फेज ट्रांसफार्मर थ्री फेज ट्रांसफार्मर के हम एक फेज को ले लिए तो यहाँ इन द फिगर दे इज रीजी थ्री फेज सिस्टम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इन द अप फोर फेज सोल्यूशंस ऑफ द सिस्टम्स एंड देन द डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस्ड बाय द इक्विवेलेंट स्टार हमने पहले लेक्चर में भी देख चुका है क्या डेल्टा को हम स्टार कनेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसी का न्यूट्रल पॉइंट भी देख चुके हैं किस लिए क्योंकि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अगर हो जाए तो यानी सिस्टम में वही डिटेक्ट करता है कि हमारा सिस्टम बैलेंस नेचर है और अनबैलेंस नेचर है तो इसके लिए ही हम डेल्टा से स्टार कनेक्शन करके न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं तो यहाँ क्या कि किया है द डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट स्टार कनेक्टर सो देट द ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑफ द गिवन थ्री फेज सो हियर देखो फिगर में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो लीकेज रिएक्टेंस है जेड पी गिवन है और उसी का प्राइमरी वोल्टेज वी वन और सेकेंडरी वोल्टेज वी वन वी टू और प्राइमरी टर्न एन वन और सेकेंडरी टर्न एन टू है उसी का डॉट कन्वेंशन दिया है एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है प्राइमरी करंट आई वन एंड सेकेंडरी करंट आई टू दिया है दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर माइग्नेटाइजिंग इम्पेडेंस निग्लेक्टेड किया गया है जो मैग्नेटाइजिंग एम्पेड है उसी का नेग्लेक्ट किया गया है और उसी का पॉर यूनिट एकोवाइलेंट सर्किट इधर दिया है दिया गया है तो उसी को देखेंगे वो जो जेड पॉर यूनिट कैसे निकलते हैं उसी को अभी देखेंगे और आई पोर यूनिट जो फ्लो होता है जेड भी, भी वन पोर यूनिट से वही सब कैलकुलेट करेंगे अभी तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले ताकि आपको हेल्पफुल रहे बाद में तो देखिए जो हमारा वोल्टेज रेशियो है वी वन डिवाइडेड बाई वी टू और इसी को हम किस लिए बेस में ठीक बेस में इज इक्वल टू वन बाई ए है तो अगर वी ए वोल्ट एम्प्योर जो है हमारा पावर वोल्ट एम्प्योर बेस कॉमन ले लिए तो वी वन बी डिवाइडेड बाई वी टू बी क्या होगा ए होगा वी वन बी डिवाइडेड बाई वी टू बी क्या होगा ए होगा बी क्या होगा ए होगा इसको भी याद रखिए वी वन बी डिडेड बाई वी टू बी इज इक्वल टू ए तो जेड वन बी क्या है जेड वन बी ये किसके रेस्पेक्ट में है ये फर्स्ट जेनरेशन और फर्स्ट प्राइमरी साइड के रेस्पेक्ट में है तो देट इज़ इक्वल टू जेड इज इक्वल टू वी बाई आई तो ये प्राइमरी के रिस्पेक्ट में तो क्या लेंगे वी वन आई वन और बेस में लेंगे क्योंकि हमने बेस को कैलकुलेट किया उसी तरह जेड भी दोनों जेड भी तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं मैं तो जेड वन भी बता दिया आपको ठीक तो देखिए अभी अभी टू को भी लिख सकते हैं देखिए यहाँ टू को क्या लिख सकते हैं बीटू को लिख सकते हैं वी वन पर यूनिट माइनस क्या होगा आई पर यूनिट इंटू जेड पर यूनिट तो ये पर यूनिट कैसे आया एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस तो उसी को हम चलिए सॉल्व करते हैं तो वी टू इज इक्वल टू वी वन माइनस आई वन जेड पी इंटू ए माइनस आई टू इंटू जेड एस ये कैसे आया आप अभी पूछ सकते हो मुझे ये कैसे आया चलिए देखते हैं B2 टू मैं इधर लिख देता हूँ B2 टू देखिए B2 टू फर्स्ट फिगर में देखिए क्या है फर्स्ट फिगर में क्या है अरे रुकिए एक मिनट हम्म तो भी टू इक्वल टू क्या होगा अभी वी वन तो सप्लाई कर रहा है प्राइमरी में वी वन माइनस क्या होगा I1 वन इंटू जेड पी होगा फर्स्ट I1 वन इंटू जेड पी देन क्या होगा ये ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी आ जाएगा तो हॉल में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट देखिए यहाँ है या नहीं वी वन माइनस आई वन जेड पी इंटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो माइनस आई टू इंटू जेड एस अरे रुको थोड़ा हम्म अभी देखो वी वन माइनस आई वन जेड पी इंटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किस लिए क्योंकि देखो वी वन बी वी टू बी इज इक्वल टू वी वन बी इंटू ए तो बी वन भी करने के लिए ए को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ए मल्टीप्लाई हो गया इधर ये सर नॉट ए मल्टीप्लाई हो गया उसी के बाद क्या होगा ये जो इम्पेडेंस सेकेंडरी साइड में है देखो ये इम्पेडेंस जो सेकेंडरी साइड में है ये क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ठीक तो अभी माइनस कर देते हैं ये भी माइनस कर देते हैं ये ये कुछ भी ड्रॉप करता है ये भी कुछ समथिंग ड्रॉप करता है तो उसी ड्रॉप को हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं ना कि ऐड कर रहे हैं ठीक ऐड करने से भीटू नहीं आएगा ड्रॉप को माइनस करने से भीटू आएगा देन उसी को हम पर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं अभी ये हो गया हमारा फॉर्मूला देन देखो ये हमारा एक्चुअल तो क्या है पर यूनिट वैल्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस हाँ या ना तो एक्चुअल इज इक्वल टू पर यूनिट इनटू बेस तो पर यूनिट बेस अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी टू इंटू वी टू का पर यूनिट और भी टू का बेस उसी तरह वी वन का पर यूनिट वी वन का बेस आई वन का पर यूनिट आई वन का बेस जेड वन का पर जेड पी का पर यूनिट जेड पी का बेस और ए तो मल्टीप्लाई है ए मल्टीप्लाई है इधर और उसी तरह आई टू आई टू का पर यूनिट आई टू का वेस जेड एस जेड एस का पर यूनिट जेड जेड टू का सेकेंडरी साइड का वेस हो गया तो अभी क्या कर रहे हैं हम डिवाइडिंग भी टू बी वी टू बी को हम डिवाइड कर रहे हैं सारी इक्वेशन में और आप तो जानते ही होंगे वी वन बी इज इक्ल टू जेड वन बी इंटू आई वन बी यही होगा क्योंकि बी इज इक्वल टू आई आर तो जेड वन बी इज इक्वल टू बी वन बी इंटू सॉरी बी वन बी इज इक्वल टू जेड वन बी इंटू आई वन बी उसी तरह देखिए बी टू बी क्या होगा आई टू बी इंटू जेड टू बी कैसर नॉट आई टू बी इंटू जेड टू बी और बी वन बी इज इक्ल टू बी टू बी तो उसी प्रीवियस इक्वेशन में हम बी टू बी को तो देखिए हम क्या डिवाइड uh, कर रहे हैं बी टू बी और वी टू बी इज इक्वल टू वी वन बी तो वी वन बी वी वन बी कैंसिल हो जाएगा इधर ठीक है और इधर भी जेड वन पर यूनिट आई वन पर यूनिट और जेड टू पर यूनिट रहेगा और आई वन बी जेड वन बी मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा वी वन भी हो जाएगा तो वी वन भी वी वन भी नीचे में कौन कैंसिल हो जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा उसी तरह क्या होगा आई टू पर यूनिट जेड एस पर यूनिट ये रहेगा जेड एस पर यूनिट ये रहेगा बट क्या कैंसिल हो जाएगा आई टू बेस जेड टू बेस कैंसिल हो जाएगा आई टू बेस जेड टू बेस जी कोल्डो वी टू बेस हो गया या नहीं तो वी टू बेस वी टू बेस तो नीचे में डिनोमिनेटर में है और न्यूमिनेटर में यही हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा ठीक तो उसी कैंसिल होने से ये फॉर्मूला आ जाएगा इसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कैलकुलेट करना ना पड़े तो ये फार्मूला आ जाएगा वी टू पर यूनिट इज इक्वल टू वी वन पर यूनिट माइनस आई वन पर यूनिट जेड वी पर यूनिट माइनस आई टू पर यूनिट जेड एस पर यूनिट और आई वन डिवाइडेड बाई आई टू इज इक्वल टू आई वन बेस डिवाइडेड बाई आई टू बेस इज ईक्वल टू एट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इस कॉन्सेप्ट में आया है और आई वन डिवाइडेड बाई आई वन बी इसी आई वन बी को डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में ले लीजिए ये I2 को न्यूमिनेटर में ले लीजिए ये तो हो सकता है ना ये तो आप जानते हुए आपका टेंथ क्लास में भी ये कंसेप्ट था तो ट्रांसफ़र कर दीजिए और आप तो जानते ही होंगे मैं पहले से ही बता चुका हूँ एक्चुअल आक, डिवाइडेड बाई बेस क्या होता है पर यूनिट तो आई वन पर यूनिट इज इक्वल टू आई तो टू पर यूनिट इज इक्वल टू आई तो ये सब समान हो गया उसके बाद जैसे कि हम प्राइमरी साइड में कैलकुलेट किए वी वन पर यूनिट उसी तरह हम भी टू पर यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो भी टू पर यूनिट क्या हो जाएगा भी टू पर यूनिट वी वन इज इक्वल टू वी वन पर यूनिट माइनस आई पर यूनिट इंटू जेड पर यूनिट तो अभी क्या हो जाएगा जेड पर यूनिट क्या होगा जेड पर यूनिट इज इक्वल टू जेड पी प्राइमरी साइड में पर यूनिट प्लस जेड एस सेकेंडरी साइड में पर यूनिट तो टोटल पर यूनिट इज इक्वल टू प्राइमरी साइड का पावर यूनिट प्लस सेकेंडरी साइड का पावर यूनिट तो ये है हमारा सेकेंडरी साइड का पावर यूनिट और पहले जो मैं आपको बताया वही है आपका प्राइमरी साइड का पावर यूनिट कहाँ गया वही प्राइमरी साइड का और है सेकेंडरी साइड का तो उसी को ऐड कर दीजिए ऐड करने से क्या हो जाएगा टोटल जेड पर यूनिट तो यह आ जाएगा आपका जेड पर यूनिट जेड पर यूनिट इज इक्वल टू जेड वन पर यूनिट प्लस जेड टू पर यूनिट ठीक तो देखिए एक कंसेप्ट है बाई ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर हम अगर हम द इम्पेडेंस ऑफ द सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नीचे में व डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर तो उसी का फार्मूला ये है जेड एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर ये किस में ट्रांसफर्म किया गया है प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र किया गया है तो प्राइमरी साइड का जो इम्पिडेंस है और सेकेंडरी साइड का ट्रांसफॉर्म वाला इम्पिडेंस ऐड हो जाएगा तो टोटल प्राइमरी साइड का इम्पिडेंस आ जाएगा तो उसी का अगर हम पर यूनिट में निकालना चाहें तो जेड वन डिवाइडेड बाई जेड वन बेस निक करेंगे ये तो एक्चुअल है हमारा तो एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस और एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस और वन बाई स्क्वायर तो वन बाई स्क्वायर है तो इधर क्या कर रहे हैं जेड वन बी इंटू ये क्या है जेड वन बी इंटू एट स्क्वायर जेड टू बी है तो जेड पी डिवाइडेड बाई जेड वन बी ये क्या होगा प्राइमरी साइड का पर यूनिट ये क्या होगा अभी सेकेंडरी साइड का पर यूनिट तो इम्पिडेंस का प्राइमरी साइड का पर यूनिट प्लस सेकेंडरी साइड का पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल ट्रांसफर्ड प्राइमरी साइड का पर यूनिट ठीक तो सेकेंडरी साइड के उसी तरह हम ट्रांसफर्म कर दिए सेकेंडरी साइड में प्राइमरी का सेकेंडरी साइड में ट्रांसफ़र कर दिए तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वही मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्र इंटू जेड पी और जेड टू इज ईक्ल टू जे एस प्लस एक्सक्र इंटू जेड पी और जेड टू पर यूनिट इज ईक्ल टू उसी तरह जे एस पर यूनिट प्लस जेड पी पर यूनिट इजिक्वल टू टो टोटल टो 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 जेड पर यूनिट ठीक है तो हमने क्या क्या दिखे जेड टू पर यूनिट सेकेंडरी साइड के ट्रांसफार्म करके और जेड वन पर यूनिट प्राइमरी साइड में ट्रांसफार्म करके और उसी का वोल्टेज पर यूनिट भी दिखे किसका ट्रांसफार्मर का और उसी का ट्रांसफार्मेशन रेशियो भी दिखे और क्या और उसी का वोल्टेज ट्रांसफार्मेशन और बाई भी ए कॉमन लेने से क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और उसी का वोल्टेज सेकेंडरी साइड में क्या होगा उसके बाद क्या देखिए ये हमारा आ गया पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन उसी का सिंगल लाइन डायग्राम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का पॉर यूनिट कैसे निकलते हैं उसी में देखिए और ये देखो शॉर्ट सर्किट के भी है भी देख चुके।, चुके हैं पॉर यूनिट वैल्यू भी देख चुके हैं जेड पर यूनिट ओल्ड में क्या न्यू क्या होगा ओल्ड इन टू एम बी एस न्यू डिवाइडेड बाई एम बी एस ओल्ड और के वी बेस ओल्ड डिवाइडेड बाई के वी बेस न्यू ये सब आपको रटना पड़ेगा जैसे भी करके ठीक और पर यूनिट इम्पिटेंस क्या होता है बेस कॉ बेस एम्पिडेंस बेस फॉल्ट थ्री फेज बेस वोल्ट एम्पियर और उसी का इम्पटेंस का पर यूनिट ऑल बेस कैसे निकलते हैं पर यूनिट कैसे निकलते हैं ये सब हमने देख लिए तो आज के लिए इतनी ही तो अगले वीडियो में हम देखेंगे न, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसी का पर यूनिट के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसी के बाद हम जाएंगे एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर का कन्फ्यूगरेसन ठीक तो अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आपके फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी ये हेल्पफुल रहे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग